सो बजाज V15 जो है ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है ना कि ये वाली मोटरसाइकिल बिना प्रॉब्लम के, मतलब चैन से ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो नहीं रह सकती। प्रॉब्लम और बजाज V15 का जो लेना देना है वो मतलब सदियों का है। इस वाले बाइक में कभी एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी आ जाती है, तीसरी खत्म होती है तो चौथी आ जाती है। ऐसे करते करते ये जो पूरा जो साइकिल है ये चलती रहती है अनंत काल तक, है ना, मतलब इटर्नल तक ये वाली साइकिल जो है वो चलती रहती है। बजाज V15 बेसिकली एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम आती है ना कि मतलब कभी भी कोई ओनर जो है वो ये सोचते कि भाई इस वाले बाइक में इतनी सारी प्रॉब्लम आ क्यों रही है। अब मैं अब अचानक से इस रेंटिंग के मूड में मैं इस वजह से हूँ क्योंकि मेरे बाइक में, मेरे बजाज V15 में जो मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ, इस वाले मोटरसाइकिल में बेसिकली दो ऐसी प्रॉब्लम है जो कि दोबारा आ गई। अब दोबारा आ गई मतलब मैं इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर चुका था, एक प्रॉब्लम को तो मतलब मैं सॉल्व कर चुका था, लेकिन जो दूसरी वाली प्रॉब्लम है ये मतलब मेरे बाइक में पता नहीं कहाँ से अचानक से कौन सा भगवान ने ऐसा यंत्र ऐसा घुमाया कि मेरे बाइक में ये वाली प्रॉब्लम तुरंत जो है वो आगे प्रकट हो गई। अब ये तो प्रॉब्लम जो है ये है कौन कौन सी प्रॉब्लम? देखो एक प्रॉब्लम जो है वो मतलब बजाज V15 की लेगेसी वाली प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम का नाम है इस वाले बाइक में बैटरी की प्रॉब्लम। ये वाली प्रॉब्लम को मतलब मैं ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम 2-3-4 साल के बाद ये वाली प्रॉब्लम जो है ये मेरे बाइक में दोबारा आ गई है। मतलब मेरे बजाज V15 का जो बैटरी है ना वो पूरी तरह से ठुस हो चुकी है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जा चुकी है। अब मैं भाई इस बैटरी वाले प्रॉब्लम से मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ बजाज V15 के यार। एक तो इस वाले बाइक में ना कोई भी बैटरी अगर आप लोग अगर लगाना चाहो तो वो कोई भी बैटरी इस वाली बाइक में आप लोग जो है वो नहीं लगा सकते हैं। जो कंपार्टमेंट है इस वाले बाइक में बैटरी लगाने का, वो जो कंपार्टमेंट है वो इतना छोटा सा दिया गया है कि यार उसमें ना बड़ी बैटरी उसमें लगी नहीं सकती है। उसमें छोटी बैटरी लगाने का कोई मतलब नहीं है, बड़ा लग नहीं सकता है, है ना। मतलब अगर कोई बंदा अगर सोचे कि इस वाले बाइक में भाई बड़ी बैटरी लगा दे, है ना, कि जो कि मतलब चले हो उसमें आप लोगों को जो है वो पावर देखने के लिए मिले, वो चीज़ भाई इस वाले बाइक में जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ, यानी इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ इस वाले बाइक के बैटरी प्रॉब्लम से कि भाई यार मैं इस वाले बाइक के बैटरी को, मैं स्टार्टिंग में जब मैंने बाइक ली थी तो उस समय मैं 5-6 बार मैं ऑलरेडी मैं इस वाले बाइक को मैं चेंज कर चुका था, है ना, मतलब बैटरी को इस वाले बाइक में, है ना, वो एमरोन की बैटरी थी तो वो बैटरी मैं उठा के फेंक दी जब उसकी जब वारंटी जब खत्म हो गई। मैंने अपने बाइक में मैंने लगवाई थी एक्साइड की बैटरी, एक्साइड की बैटरी जो है वो लंबा चली, काफ़ी महीनों काफ़ी सालों तक चली, बेसिकली 4-5 साल जो है वो चल चुकी है। 4-5 साल चलने के बाद ये बाइक में मतलब एक ऐसा एक काली किस्मत है ना इस वाले बाइक की कि इस वाले बाइक में कोई भी बैटरी जो है वो चलती ही नहीं है। आप लोग चाहे टाटा की बैटरी लगा लो, आप लोग एमरॉन की बैटरी लगा लो, एक्साइड की बैटरी लगा लो, इन तीनों बैटरियों भाई अब मैं इतना परेशान हूँ इस वाले बाइक की बैटरी से, मैं क्या बताऊँ यार। मेरी बाइक की बैटरी जो है वो अचानक से ख़राब हो गई, और ख़राब होने के साथ ही साथ मतलब मैंने चार्ज भी मैंने करवाने की कोशिश की, चार्ज करवाने के बावजूद भी ये वाली बाइक की बैटरी जो है वो मतलब चली नहीं, उसके बाद मतलब लोड नहीं उठा रही है। बैटरी फुल चार्ज है लेकिन बाइक जो है वो बैटरी का लोड नहीं उठा पा रही है, फिर बैटरी बाइक का लोड नहीं उठा पा रही है। अब ये पता नहीं अब कौन से भूल भुलैया है बजाज V15 की, यार बजाज वालों मुझे समझ में नहीं आता है यार, तुम लोगों ने एक ऐसी बाइक बनाई है जिसमें कि बैटरी की कम से कम ये जगह तो दो ना कि अगर कोई बंदा अगर मतलब ऑप्शन अगर चाहे तो वो बड़ी बैटरी लगा सके। इस वाले बाइक में बैटरी के कंपार्टमेंट जो है वो इतना सा है, मतलब लिटरली वो इतना सा ही है ना, वो उससे ज़्यादा बड़ी बैटरी जो है वो आप लोग लगा ही नहीं सकते हो, आप लोग जितना भी आप लोग कोशिश कर लो। तो बैटरी का जो कंपार्टमेंट है वो बेसिकली वो इतना सा है, उसमें मैं सिर्फ इसी बाइक की बस एक ही मैं बैटरी बस मैं लगा सकता हूँ, उसके अलावा मैं कोई भी बैटरी नहीं लगा सकता हूँ। यार ये कौन सी मोनोपोली वाला काम है ये मुझे समझ में नहीं आता है। मोनोपोली चलो भाड़ में गई, तुम ले लो तुम पैसा, तुम्हें जितना तुम्हें पैसा लेना तुम बजाज तुम उतना पैसा ले लो, लेकिन कम से कम एक ऐसी चीज़ दो जो मतलब इस वाले बाइक में चले। मैंने इस वाले बाइक में मैंने एक्साइड की मैंने बैटरी मैंने यूज़ कर ली, मैंने इसमें एमरॉन की मैंने बैटरी यूज़ कर ली, है ना, मतलब जो एमरॉन वाली जो बैटरी थी वो मतलब मैं कई बार मैं चेंज कर चुका था तो वो तो बिल्कुल भी इस वाले बाइक में मेरे वाले बाइक में सूट नहीं की। एक्साइड की बैटरी सूट की 4-5 साल तक, लेकिन अभी वो जो है वो भी ख़राब हो गई है, वो पता नहीं लोड नहीं उठा रही है, उसका क्या उसका पंगा है, बाइक में कोई दिक्कत है, बजाज के लोगों में कोई दिक्कत है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। ये कंपनी ने एक ऐसी बाइक बनाई है जिसमें मतलब बैटरी की इतनी ज़्यादा बड़ी समस्या है कि क्या बताएं, है ना। तो अब ले देंगे इसका सोल्यूशन, मतलब मुझे यही मुझे करना पड़ेगा, मुझे या तो नई बैटरी इस वाली बाइक में लगानी पड़ेगी, या महंगाई अब इतनी हो गई कि इसकी वाली नई बैटरी जो पहले जो 1100-1900 रुपये की जो है वो मिलती थी, आजकल की डेट में वो मिल रही है भाई वो 1500-1600 रुपये की। मतलब यार इससे अच्छा तो मैं किक मार के मैं अपनी बाइक को चला लूँ, मुझे बैटरी खरीदने की मुझे मतलब
है ही नहीं यार, क्या क्यों इतनी महंगी क्यों है इस वाली बाइक की बैटरी? अरे 150 cc की बाइक है यार। अगर बजाज पल्सर की भी जो बैटरी है ना, वो भी मतलब इतनी ज़्यादा महंगी नहीं आती है जितनी महंगी इस वाले बाइक की बैटरी आती है। अब वो महंगी इसी वजह से है क्योंकि मतलब एक्सक्लूसिविटी इस वाले बाइक में, पर्टिकुलर बैटरी जो है वो इस वाले बाइक में लगती है, और वही बैटरी इस वाले बाइक में लगाने की वजह से बेसिकली वो वाली बैटरी जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा महंगी है कि क्या बताएं। अब चलो ठीक है, चलो बैटरी की बात हो गई है ना, मैंने 1500-1600 रुपये चलो मान लो कि मैंने उसमें ऐड कर लिया, मैंने खरीद ली बैटरी। खरीदने के बाद उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो चलेगी या नहीं चलेगी। अगर नहीं चलेगी तो मैं क्या करूँगा, दोबारा में जाके 1600 रुपये की बैटरी खरीद के लेके आऊँगा क्या यार? लेके चलो अगर वारंटी है तो ठीक है। तो वारंटी किसी भी बैटरी की जो होती है वो लगभग 1 साल की होती है ना, उससे ज़्यादा की नहीं होती है। उससे ज़्यादा वाली जो होती है वो मतलब कुछ महीने के हिसाब से होती है, उसके भी पैसे उसके लगते हैं है ना। तो 1 साल में अगर इस वाली बाइक की बैटरी चलो मैं 10-12 का ख़राब हो गई, मैं मान लिया 10 बार मैंने चेंज करा लिया, लेकिन वारंटी तो उतनी है ना, वारंटी 1 ही साल की है, तो क्या मैं 1600 रुपये में पूरे 1 साल का मैं एक प्रीमियम भर रहा हूँ क्या नेटफ्लिक्स का? ये क्या चल रहा है यार इसके बैटरी में, मुझे समझ में नहीं आता है यार। ये कौन सी मतलब बजाज ने ऐसे कौन सा काम किया है कि इस वाले बाइक में बैटरी जो है वो ख़राब हो जाती है? क्या बाइक ने कोई, क्या बजाज ने कोई कमीशन वमीशन लिया क्या कि मतलब बैटरी की कंपनी से कि भाई मैं तुम्हारी में बैटरी में एकदम सेट करवा दूंगा, तुम्हें चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी में सारी में बैटरी बिकवा दूंगा है ना, चाहे इन्वर्टर की बैटरी हो चाहे कोई भी बैटरी हो। अगर ऐसा कुछ है तो मतलब बजाज जो है वो सीधे सीधे बता दे, उसी समय बता देता जब बाइक जो है जब इंसान ले रहा होता है, उसी समय बता देता कि भैया इस वाले बाइक में जो है वो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट लिया किसी भी कंपनी से है ना, कि आप लोगों की बाइक में जो है वो उसी कंपनी की या फिर मतलब उसी टाइप की जो है वो बैटरी लगेगी जिससे कि मतलब उन लोगों की कंपनी की बैटरी बिके। यार अब मैं समझ में, मुझे ना लिटरली मुझे समझ में नहीं आता है ये ऐसा बजाज ने ऐसा किया क्यों है कि मतलब अपने कस्टमर को इतना ज़्यादा दुख दिया है बजाज ने कि कस्टमर भी सोचता होगा कि भाई उसने ये वाली बाइक जो है वो क्यों खरीद ली है ना, जब इस वाले बाइक की जो है वो बैटरी ख़राब है ना। सो ये एक प्रॉब्लम है, चलो बैटरी ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे बजाज V15 में आती है, मैं सब इकलौता नहीं हूँ है ना, बहुत सारे लोग जो है वो इसी चीज़ से परेशान है, मैं भी इस चीज़ से पहले परेशान था, लेकिन एक्साइड की बैटरी लगाने के बाद वो जो है वो थोड़ा सा ठीक हो गया है। मेरे पास और कोई अब ऑप्शन बचता है नहीं, मैं भी अब एक्साइड की मैं बैटरी में दोबारा मैं खरीद के लगाऊंगा, वो चाहे 1 साल चले चाहे 1 महीना चले, अब क्या किया जा सकता है, मजबूरी है भाई साहब। बिना बैटरी की वाली बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होती है। ठंडक में तो भूल जाओ किक मार के इसको स्टार्ट करना, ठंडक में घंटा नहीं होगी। मुझे आप ले देगा, मुझे करना ही पड़ेगा, 1500-1600 रुपये जो है वो मुझे इस वाले बाइक की बैटरी में मैंने मुझे मतलब खर्च करने ही पड़ेंगे। चलो एक तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम जो है ना, आज से कुछ हफ्तों पहले की बात है, मैं इस वाले बाइक को मैं लेके गया था, मतलब मैं लेके कहीं जा रहा था है ना, मैंने 2-3 मतलब दिनों से मैंने इस वाले बाइक को नहीं चलाया था, 2-3 दिन के बाद बेसिकली मैं इस वाले बाइक को जो है मैं कहीं लेके जा रहा था, दिवाली के समय की बात है, मतलब दिवाली के मतलब कई हफ्तों बाद की बात है ना। तो दिवाली के बाद बेसिकली मैंने इस वाले बाइक को, जब मैं बाहर निकाला इस वाले बाइक को चलाने के लिए, मुझे मतलब कुछ काम था मुझे इस वाले है ना, मुझे कहीं जाना था, तो मैं क्या देखता हूँ कि चलो ये वाली बाइक जो है मैंने इसको घर से बाहर मैंने निकाल दिया है ना, मतलब मैंने इसको बाउंड्री के बाहर मैंने कर दिया है ना। बाउंड्री के बाहर करने के बाद बेसिकली इस वाले बाइक को मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट गियर लगाया, मुझे अपने बाइक के पीछे से आवाज़ आई खट से है ना, मतलब एक तो गियर की आवाज़ होती है और एक अजीब सी मुझे आवाज़ आई। मैं सोचा चलो होगा लकड़ी वकड़ी टूटी होगी, कुछ होगा भाई, क्या किया जा सकता है ना। लेकिन मैं इस वाले बाइक को मैंने जैसे ही मैंने फर्स्ट गियर पे उठाया, खड़ 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 इतना तेज़ मेरे बाइक में से पीछे से जो है वो आवाज़ आने लगी है ना, मैं डर गया। तो मैंने देखा सब कुछ ठीक है, कुछ है तो नहीं है ना। तो मैंने फिर स्टार्ट किया, मैंने अपने बाइक में जैसे ही मैंने सेकेंड गियर लगाया, इतना तेज़ बेसिकली इस वाले बाइक में से जो है वो आवाज़ आने लगी, वो खर 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 खर, मेरा दिमाग उड़ गया कि क्या चीज़ हो गई है ना। मैं मतलब थोड़ी दूर तक मैंने चलाया, हो सकता है कुछ फंसा होगा तो ठीक हो जाएगा है ना, मतलब होता है ना गियर में अगर कुछ अगर फंस जाता है तो आवाज़ करता है। मैं थोड़ी देर तक चलाया, थर्ड गियर पे जाने के बाद है ना, मतलब थोड़ा सा आवाज़ की उसके बाद जो है वो थोड़ी बहुत नॉर्मल हो गई। लेकिन मैं अपने बाइक को जैसे ही मैं फर्स्ट गियर पे डाल रहा था या फिर मैं अपने बाइक का गियर को चेंज कर रहा था तो आवाज़ आ रही थी। अब ये आवाज़ भैया मैं परेशान हो गया कि यार ये आवाज़ जो है मेरे बाइक में से क्यों आ रही, किस वजह से आ रही, क्या हो गया, क्या नई प्रॉब्लम क्या आ गई इस वाले बाइक में। तो मैंने इस वाले बाइक को मैंने देखा तो मतलब अब ये जो आवाज़ है ये कुछ रीज़न की वजह से आ सकती है, या तो बाइक की कपलिंग जो है वो ख़राब हो गई हो, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो स्प्रॉकेट और बाइक के टायर के बीच में कपलिंग होती है जो कि मतलब कभी ना कभी डैमेज हो जाती है, तो उससे की आवाज़ आती है, या तो बाइक की चेन जो है वो
खराब हो गई है, बाइक का चेन स्प्रॉकेट जो है वो खराब हो गया है। अब दिक्कत मेरे साथ ये है कि मतलब मैं इस वाले बाइक की मैं चेन को मैं हमेशा मैं टाइट इसको करवाया रहता था, है ना, मतलब मैं अपने बाइक को मैं हमेशा मैं मेंटेन कराया रहता था। अचानक से ऐसी आवाज़ आना, अब ये भाई पता नहीं कैसे पॉसिबल है कि कोई भी स्प्रॉकेट जो है वो एक दिन में ख़राब हो गया, या फिर कोई भी कपलिंग जो है वो टायर की, पीछे वाले टायर की, वो एक दिन में ख़राब हो गई। अब ऐसा कैसे हो गया है? हालांकि अभी जो है वो मेरे बाइक में से आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो इसकी कपलिंग में प्रॉब्लम है या तो इस वाली बाइक के चेन स्प्रॉकेट में प्रॉब्लम है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये दोनों ही चीज़ जो है वो मुझे चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम है अचानक से आई है, मुझे अब ये नहीं पता है। ये चीज़ मेरे से मत पूछो कि ये प्रॉब्लम जो है ये अचानक से कैसे आ जाती है, अचानक से कभी भी नहीं आती है भाई चेन स्प्रॉकेट की प्रॉब्लम, ये धीरे धीरे करके प्रॉब्लम आती रहती है। लेकिन अब चलो, इसमें कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी जो है वो गलती थी, क्योंकि मतलब काफ़ी समय हो गया था ना इस वाले बाइक के चेन स्प्रॉकेट को चेंज कराए हुए, तो वो मतलब जो है वो मुझे चेंज कराना ही था। लेकिन अब ऐसे अचानक से आवाज़ आना, हालांकि मेरे बाइक से ऐसी आवाज़ जो है वो पहले कभी भी नहीं आई है, स्पेशली गियर चेंज करते वक्त तो ऐसा पहले कभी भी नहीं आई कि भाई मेरी बाइक जो है वो ऐसी तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही है, है ना। अब मैं क्या बताऊँ यार, अब इस वाले बाइक में ऐसा क्या है, ऐसा एक पंगा है ना, कि मतलब इस वाले बाइक में कोई प्रॉब्लम जो है वो अचानक से आ जाती तो वो जाती नहीं है। हालांकि इसी वजह से, मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं अपनी बाइक को जो है मैं बहुत ही ज़्यादा कम चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसकी जो चेन स्प्रॉकेट है वो पूरी तरह से घिस चुकी है, मतलब अगर पूरी तरह से भी अगर नहीं घिसी है तो मतलब थोड़ी बहुत जो है वो घिस चुकी है, जिससे कि मतलब गियर चेंज करने पर वो जो गियर है वो या तो स्किप हो जा रहा है, नहीं तो मतलब वो जो है वो आपस में लड़ रहा है ना, वो कपलिंग की वजह से, है ना, ये शायद इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, जब मैं मैकेनिक के पास जब मैं जाऊंगा तो मतलब मुझे पता चल जाएगा कि भाई इस वाले बाइक में जो है क्या प्रॉब्लम है। अब इस वाले प्रॉब्लम को मैं सॉल्व, अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो भाई, इसको सॉल्व करने का जो है वो दो ही तीन तरीके हैं, दो तीन तो नहीं है, एक ही है कि मुझे जो है वो इस वाले बाइक का चेन स्प्रॉकेट मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। अब चेन स्प्रॉकेट को चेंज करवाने में मतलब एक पंगा ये है कि इस वाले बाइक में ना चेन स्प्रॉकेट जो है वो भी काइंड ऑफ यूनिक मिलता है, कि उसकी जो एक पर्टिकुलर लेंथ है उसकी चेन की वो वही होनी चाहिए, 142 ऐसी करके कुछ होता है एल, है ना, और 24-42 टीथ होती है ना, फ्रंट स्प्रॉकेट और रियर स्प्रॉकेट में दो इसमें स्प्रॉकेट आते हैं, मतलब हर बाइक में दो ही आते हैं, लेकिन इस वाले बाइक का जो है वो स्पेसिफिक है, मैंने ऐसा सुना है। अब ये वाले जो स्प्रॉकेट है ना, ये मतलब मार्केट में इतने ज़्यादा आसानी से मिलता नहीं है, हालांकि एक कंपनी है जो मिलता है और एक बजाज का मिलता है ना, उसके अलावा जो है वो कोई भी नहीं मिलता है। बजाज वाली चेन स्प्रॉकेट की प्रॉब्लम क्या है ना, कि सबसे पहली बात, बजाज का वो जो चेन स्प्रॉकेट है उसकी क्वालिटी जो है वो उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, है ना, मतलब ऐसा मुझे ऐसे सुनने में आया है। एंड ऑल्सो जो एक और जो कंपनी है रोल ऑन, अब उसको मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि वो जो है वो थर्ड पार्टी कंपनी है, तो मुझे भाई समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। बजाज के चेन स्प्रॉकेट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो वाला चेन स्प्रॉकेट जो है वो मतलब महंगा भी मिलता है ना, अब हालांकि अब बजाज कंपनी है, बजाज अपना ठप्पा ऐसे करके लगा देती है, तो ठप्पा लगाने से क्या होता है ना कि वो प्राइस जो है वो अपने से बढ़ जाता है, भले ही चीज़ जो है वो उसके अंदर दो कौड़ी की हो, है ना, उसकी कोई भी उसकी मतलब है ना उसमें कोई भी उसमें क्वालिटी ना हो, लेकिन बजाज का ठप्पा लगने से वो जो 900-800 रुपए की चीज़ है उसका दाम सीधे सीधे बढ़ के 1500-1600 रुपए जो है वो हो जाता है ना। मैंने लास्ट टाइम मैंने चेक किया तो मतलब वो 1500 रुपए का था और 250 रुपए ऐसी शायद कपलिंग थी। तो अगर आप लोग अगर इस वाले बाइक का खर्चा का जोड़ लो ना, जितना इस वाले बाइक में एक सर्विसिंग में नहीं लगता है उतना इस वाले बाइक में जो है वो इन दो प्रॉब्लम की वजह से लग रहा है ना, जैसे कि मतलब ये बैटरी की प्रॉब्लम और ये चेन स्प्रॉकेट की प्रॉब्लम। भाई पता नहीं ये सब चीज़ें जो है वो कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। अब ले देखिए, अब अगर आप लोग टोटल करो तो इसमें 3000 का खर्चा है, तो इन तीनों चीज़ों का जो खर्चा है ये लगभग मेरा 3-3500 रुपये जो है वो लग जाएगा। मेरी बाइक जो है वो मतलब इतना ज़्यादा मैंने इस वाले बाइक के सर्विसिंग में भी नहीं खर्च किया है ना, मैं क्या बताऊँ यार। अब मुझे ना अब इस चीज़ को अब ठीक करवाना पड़ेगा, नहीं तो अब ठंडक में तो भाई बिना बैटरी के प्रॉब्लम आ ही जाएगी, और अगर इस वाले बाइक की चेन वेन अगर टूट जाती है, फिर मतलब ऐसा करके अगर कुछ होता है या फिर पीछे वाला टायर अगर जाम हो जाता है, तब मतलब मैं पूरी तरह से गया सीधे अस्पताल में मैं, तो मुझे इन दोनों चीज़ को जो है वो ठीक करवाना ही पड़ेगा। जिन बेसिस पे कुछ दिनों में मतलब मैं इसको मैं ठीक करवाऊंगा, उसके पर जो है मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि मैं क्या बताऊं यार, परेशान हूं यार। इसी वजह से मैं तो मैंने आप लोगों मैंने मोटर ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं इस वाली बाइक को मैं डर डर के चला रहा हूं कि कहीं ऐसा कुछ हो ना जाए कि मतलब मेरा एक्सीडेंट हो जाए इसकी वजह से, है ना, जब ये मतलब टायर वायर फंस जाए या कुछ और पंगा हो जाए, इससे मतलब काफ़ी सारे इससे पंगे जो है वो हो सकते हैं अगर बाइक की चेन अगर टूट जाती है तो। सो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज की वाली वीडियो जो है वो एक रैंट थी, है ना, कि मतलब मेरे बाइक में इतना सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, बजाज V15 में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, भाई
परेशान हो जाता हूँ यार इस वाले बाइक से, मैं क्या बताऊँ। चलो गाइस, अगर ये वाला रेंट अगर अच्छा लगा होगा, ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव कोई भी कमेंट कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो, मैं मिलता हूं आप लोगों से कल। चलो गाइस, बाय बाय।